بالنسبة للمرحلة الأولى بعد ما يخلص الراكب من وزن الأمتعة يتوجه إلى النقطة هذه اللي يكون معه الباسبورت الجواز والبطاقة صعود الطائرة. بعد ما يتأكد منها العسكري अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे से होंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अगर जो आपका वीजा आ चुका है, चाहे आने वाले हैं कुवैत, या फिर आपका टिकट हो गया है, आप आने वाले हैं, चाहे आप नए वीजे पे आ रहे हैं या पुराने वीजे पे आ रहे हैं, या फिर आप छुट्टी जा करके वापस आ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। बहुत जरूरी अपडेट है, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। एक न्यूज आया है जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट पे। क्यों अरेस्ट किया गया अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत जरूरी है, और ये इसमें बहुत छोटी बात है, लेकिन अक्सर खास करके हम अपने इंडिया वाले बता दें आपको, ये गलती अक्सर करते हैं। मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, पक्का है। वीडियो पूरा देखेंगे समझ जाएंगे कि वो गलती क्या है। तो अगर जो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और आप कुवैत से अपडेटेड रहें, वीजा से रिलेटेड हर चीज आपको इस वीडियो, इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है अपडेट। वो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर जो आप कुवैत में रहते हैं, नहीं रहते हैं, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी शेयर करना होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है। इसलिए कि आपका कोई जानने वाला है, और वो जाने वाला है, या फिर आपका रिश्तेदार भाई जो भी है, तो उसको ये पता चलना चाहिए। लेकिन मैटर क्या है कि 3 लोगों को पकड़ा गया, एक अरब कंट्री के लोगों को जो मसर से था, और एक नेपाल के बंदे को, और एक इंडिया के बंदे को, ठीक है। उस पर जुर्माना भी लगाया। क्यों पकड़ा गया है, मैं चाहे आप चाहे कोई, सब लोग आते हैं तो क्या करते पता है, जब नए आते हैं तो, पुराने आते हैं तो खाने का सामान घर से मिलता है, जरूर मिलता है। उसके बाद साथ साथ कुछ कपड़े होते हैं, कुछ अपना पर्सनल तेल, अचार, ये सब होता है। ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन उसके साथ सबसे जरूरी है, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा आजकल जो है कि गुटखा, तम्बाकू, ये सब खाया जाता है, और उसके बिना कितने लोगों को जो है कि बाथरूम नहीं उतरता है। बाथरूम में जाते हैं तो बिना खाए नहीं जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं तो बिना खाए, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इंडिया का आदमी पकड़ा गया है, उसके पास से भोला जो आता है, भांग का गोली आता है, 80 पैकेट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 80 पैकेट पकड़ा गया है, जो कि एयरपोर्ट पे लेके आ रहा था बता करके कि ये दो दवा है और ये मैं खाता हूं घर पे, उसको पकड़ा गया है। देखिए सबसे बड़ी बात बता दें आपको, अगर जो आपके पास तंबाकू है, चाहे विमल है, चाहे कुछ भी, फ्लीज मत लेके आइए, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर जो आपको खाने का इतना शौक है, तो यहाँ कुवैत में मिलता है, आप यहाँ खरीद करके खा सकते हैं। आप अगर जो सोचिए, अगर जो आप लेके आते हैं, अभी 3 लोगों का अरेस्ट किया गया, एक जो मसर का है उसको पकड़ा गया है, उसके पास से ड्रग्स की गोली मिली है, और वो पैसे में ऐसे एडजस्ट करके अपने पर्स में रख करके ला रहा था, पकड़ा गया। जो नेपाल का बंदा पकड़ा गया, उसके साथ भी यही है, वो भी भांग का गोली ला रहा था, छोटा छोटा पुड़िया, वो भी पकड़ा गया है। तो आप तंबाकू, विमल, गुटखा जो भी होता है, आप प्लीज ना लाएं, नहीं तो आप पकड़े जाने के बाद जो लेके आते हैं ना, ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे की चीज जो मना है, नहीं लाना चाहिए। लेके आते हैं तो उनको जानते हैं, एयरपोर्ट पे मशीन की बात छोड़िए, मशीन तो इतना हैवी है कि आप पकड़ी लेगा, उससे पहले जो वहां पुलिस वाले काम करते हैं, वो आपका दिमाग, उसका आपका चेहरा पढ़ लेते हैं, उनका 24 घंटे का काम होता है वही, तो वो उनका काम होता है आपका चेहरा देख करके पकड़ लेंगे कि हाँ इस बंदे के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो रखा है, जो इसके चेहरे से पता चलता है। और अगर जो आपके पास यकीन मानिए 50,000 रुपया जेब में होगा ना, तो आपका चेहरा ही बता देगा कि इस बंदे के पास पैसा है, अच्छा कुछ भी ऐसा रखा है जो इसके पास नहीं होना चाहिए। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। छोटा सा वीडियो था, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज्यादा करिए, क्योंकि बहुत सारे भाई 90% लोग लेके आते हैं। मैं ये सब खाता नहीं हूं, मैं फिर भी लेके आया था दूसरे का, हालांकि मैं इतना ज्यादा नहीं लेके आया था, मैं ये गुटखा वगैरह नहीं लाया था, तंबाकू लेके आया था, लेकिन दूसरे का वो तो आ गया लगेज में रख करके। लेकिन आप कुछ भी मत लाइए, क्योंकि रिस्क लेने से क्या फायदा। अगर जो मान लीजिए वो पकड़ा गया है, अभी जेल में रहेगा, हो सकता है उसको कुछ दिन जेल में काटना पड़ जाए, पक्का है वो तो वापस जाएगा, कुवैत में तो एंट्री होगी नहीं, उसका एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया, वहीं से उसकी एंट्री, वो भी फिंगर ब्लॉक करके भेजा जाएगा, ताकि वो दोबारा अभी आ नहीं सके। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि पता चले कि ये चीज जो है कि एकदम बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो आप कुवैत आने वाले हैं, तो चाहे किसी भी कंट्री में, हर जगह जो है ये बैन है, नहीं ले जा सकते। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।